नमस्कार किसान भाइयों। जी हाँ किसान भाइयों, आपने बिल्कुल सही थंबनेल पर क्लिक किया। बारिश से आलू हुआ भयंकर बर्बाद। किसान भाइयों, आज के वीडियो में सारा जानकारी देंगे। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। किसान भाइयों, बारिश से जो आलू बर्बाद होने का मतलब बता दें किसान भाइयों की फिर से आने वाली है भयंकर बारिश की कहर। जिस तरीके से 17-18 अक्टूबर को बारिश का कहर था किसान भाइयों, उसी तरीके से फिर आ रहा है 9 नवंबर को बारिश किसान को। इसीलिए मेरा काम है आप लोगों का पहले ही चेतावनी दे देने। किसान भाइयों, मुझे भी रिपोर्ट मिला है कई कुछ जगहों से कि 9 नवंबर से आलू में आलू जो रोपा रहा है किसान भाइयों, उन किसान भाइयों के लिए कहना जरूरी है हमारे लिए कि 9 नवंबर से फिर से बारिश आ रही है किसान भाइयों। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए किसान भाइयों। अभी आलू की बुआई कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा सोच समझ लीजिए, थोड़ा मौसम अलर्ट की जानकारी ले लीजिए किसान भाइयों। क्योंकि सीधे अगर आलू की बुआई कीजिएगा फिर से होगी आपका आलू बिल्कुल बर्बाद किसान भाइयों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आलू का जो अगर आप बुआई आप कर रहे हैं तो आप पहले सोच समझ लीजिए किसान भाइयों। मैं तो कहूँगा 9 नवंबर से, अगर आप कहिएगा कौन कौन सी राज्य में, अगर आप कमेंट कीजिए हमें तो हम बात इस पर भी वीडियो बना देंगे कौन कौन सी राज्य में बारिश का आने वाला जोरदार कहर 9 नवंबर से। तो सभी राज्यों का जो लिस्ट आएगा, रिपोर्ट आएगा, वो भी हम दे देंगे वीडियो के जरिए। तो इस वीडियो में किसान भाइयों, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ किसान भाइयों, जो कि अगर आलू की बुआई अगर आप कर रहे हैं किसान भाइयों, तो थोड़ा सोच समझ कर। तो किसान भाइयों, जो ये रिपोर्ट जो आ रही है किसान भाइयों, तो कई किसान भाइयों अभी आलू का बुआई बिल्कुल भी कर चुके हैं और कई सारे किसान भाइयों अभी आलू का बुआई नहीं किए हैं। तो उन किसान भाइयों तक मेरा है एक, जैसे मेरा काम ही इस चैनल के जरिए किसानों तक जो भी इन्फॉर्मेशन हो किसान भाइयों तक पहुँचे। तो हमारा मकसद यही है कि किसानों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो किसान भाइयों, ये हमारा जो मकसद था इसलिए हम आपको बताए हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों बता दें कि जो आलू अगर बारिश से बर्बाद होता है तो इसमें किसान भाई को काफ़ी नुकसान होता है किसान भाइयों। और आलू के भाव के बात करें किसान भाई, तो अभी तो आलू के भाव में कल से गिरावट ही पकड़ ली है थोड़ा, और पुणे की मंडी में काफ़ी भयानक तेजी है अभी। तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी जगह पर गिरावट है, लेकिन किसान भाई गिरावट तो है आलू के भाव में। और मेरा कहना तो यही किसान भाइयों, जो अभी आलू की जो बुआई कर रहे हैं किसान भाइयों, तो थोड़ा रुक जाइए और थोड़ा मौसम अलर्ट और मौसम विभाग की जानकारी लेकर ही आलू की खेती करें किसान भाइयों। जी हाँ किसान भाइयों, तो देख ही सकते थे किस तरीके से बारिश आलू बर्बाद होता था और क्या बर्बादी देख ही सकते थे। हमारे चैनल पर भी अपलोड किया जा रहा था कि किस तरीके से बारिश आलू बर्बाद हो गया था और कहाँ कहाँ पर सारा वीडियो लाइव रिकॉर्ड अवेलेबल था। आप लोग ने देखा भी था उस वीडियो के, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा था, तकरीबन 5-8 से भी ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा था किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हमारे काम है किसानों को जो भी इन्फॉर्मेशन हो पहुँचाना। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और भी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करें ताकि किसान भाई इन्फॉर्मेशन को जान सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।